हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल देवगढ़ और आज हम क्लास 8th का ग्रामर टॉपिक वर्ड्स एंड सिचुएशन पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको देख लेते हैं। इन योर एग्जामिनेशन सम क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्ड एंड सिचुएशन आर आस्क्ड, यानी आपके एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं वर्ड एंड सिचुएशन टाइप। इन दीज क्वेश्चंस सम अप्रोप्रिएट वर्ड आर टू बी फिल्ड इन ब्लैंक स्पेस, है ना, कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड आपको क्या करने होंगे, ब्लैंक स्पेस में भरने होंगे, यानी आपको फिलिंग द ब्लैंक फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन इज कॉमनली द फॉलोइंग टाइप, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ एक दे रखा है आपको, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा कि फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में कुछ वर्ड दे रखे होंगे, कुछ सेंटेंस दे रखे होंगे, आपको उनको रीड करना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें वर्ड्स को डालना है ना। देखिए फर्स्ट वर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, द किंग वॉज डेस ऑफ पनिशिंग द क्रू। तो यहाँ देखिए थ्रोन, फास्टिंग, डिफिकल्ट, टायर्ड, है ना, आपको क्या करना है, सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस की मीनिंग कैसे बनेगी उसको देखना है, फिर लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर टायर्ड है कि द किंग वॉज टायर्ड ऑफ पनिशिंग द क्रू। नेक्स्ट देखिए द क्रो वॉज डेश इन टू द रिवर, अब क्रो को क्या किया गया है, द क्रो वॉज थ्रोन इन टू द रिवर, फेंका गया है ना, फेंक ही सकते हैं हम रिवर में कोई चीज़ को। आई एम डेश ऑन माई फेवरेट स्वीट, आई एम फास्टिंग ऑन माई फेवरेट स्वीट, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्ट सिचुएशन द क्रो वॉज हैप्पी ऑल द टाइम। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस पहले रीड करना है और उनके अकॉर्डिंग ही आपको क्या डालनी है, जो वर्ड्स हैं वो डालने हैं, उनमें फिल करने हैं। तो इनको फिल करने के लिए भी आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप कैसे करेक्ट वर्ड को स्पेस पे डालेंगे। तो स्टूडेंट शुड कीप फॉलोइंग इंपॉर्टेंट थिंग्स इन देयर माइंड व्हाइल आंसरिंग सच क्वेश्चन, है ना, ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट है द स्टूडेंट मस्ट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट आर इन द टेक्स्ट बुक, जब आप टेक्स्ट बुक के सारे, क्योंकि ये किसी चैप्टर का पार्ट ले रखा है, किसी चैप्टर में सेंटेंस ले रखे हैं, तो आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो सारी वर्ड्स जो मीनिंग्स होती हैं उनको अच्छे से पढ़े, ताकि जब ये आए आपके सामने तो आपको अलग ना लगे, है ना, आपको मीनिंग आ रही होगी, जब आपको क्या होगा सेंटेंस की मीनिंग समझ आ रही होगी तभी आप उसमें अप्रोप्रिएट वर्ड भर पाएंगे। द सेंटेंस मस्ट हैव द एबिलिटी, द स्टूडेंट मस्ट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस, है ना, स्टूडेंट में क्या होना चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि सेंस क्या दे रहा है सेंटेंस वो समझ सकें। द स्टूडेंट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब आपको क्या होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर का रूल होता है वो आपको याद होना चाहिए। दे कैन आंसर सच क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपको अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है, जैसे हमें क्या होता है सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है ना, तो अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है तो आप क्या कर पाएंगे, ईजीली उनको फिल कर पाएंगे। द सिक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इन इंग्लिश इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हमें नॉर्मली हमको पता है कि इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये तो इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। और देखिए इनमें, इफ़ इन द गिवन सेंटेंस द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज़ एम्प्टी, अगर आपके सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह एम्प्टी है, अ नाउन वर्ड विल बी फिल्ड, तो आप वहाँ पर नाउन वर्ड को क्या करेंगे, फिल करेंगे, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन होते हैं, है ना। तो अगर आपके क्वेश्चन में क्या है, अगर सब्जेक्ट की जगह खाली है या ऑब्जेक्ट की जगह खाली है, एम्प्टी है, तो आप वहाँ पर जो दे रखे होंगे ना हेल्प के लिए बॉक्स में, उसमें से नाउन वर्ड को ही फिल करेंगे। इफ़ सब्जेक्ट प्लेस इज़ वैकेंट, अगर सब्जेक्ट की प्लेस वैकेंट है, इट शुड बी फिल्ड बाई एग्जामिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, एग्जामिंग यानी कि उसको देखना, अब किसको देखना, वर्ब को देखना, फॉर्म क्या है वर्ब की, वो देख कर ही आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट की वर्ब, सब्जेक्ट का जो ब्लैंक है वो वैकेंट है। इट इज़ बिकॉज द पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैव डीप रिलेशन विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट जो होता है उसका पर्सन और नंबर से ही हम क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं, तो इनका क्या होता है, एक रिलेशन होता है, डीप रिलेशन होता है इनके अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेट करती हैं। If in the given sentence the space of the verb is vacant, अगर verb का vacant है space, it should be filled according to the person and place of subject, तो किसके according हम
फील करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसका जो पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है, या फिर नंबर होगा, प्लूरल है या सिंगुलर है, उसको देख कर ही वर्ब को क्या किया जाएगा, फील किया जाएगा। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं। तो जैसा सब्जेक्ट है वैसे वर्ब को फील करेंगे, जैसी वर्ब है उससे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को फील करेंगे। ये आपको सब ध्यान रखना है, उनके पर्सन भी ध्यान रखना है, उनके नंबर्स भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, इफ़ अ प्लेस इज वैकेंट आफ्टर एन एडजेक्टिव वर्ड, यानी कोई एडजेक्टिव वर्ड आया है और उससे पहले कोई यहाँ पर क्या आया है, आफ्टर एन एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव वर्ड के बाद कोई एडजेक्टिव आया फिर यहाँ पर वैकेंट है, अ नाउन वर्ड इज फिल्ड, तो यहाँ पर आप नाउन वर्ड फिल करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव क्या बताते हैं, नाउन का ही, नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं, तो क्या आएगा, नाउन आएगा। एन एडवर्ब यूजुअली कम बिफोर एंड आफ्टर अ वर्ब। अब आपको ध्यान रखना है कि जो एडवर्ब्स होती हैं वो क्या करती है, वर्ब के पहले और बाद में आती हैं। हैंस इफ अ प्लेस इज गिवन वैकेंट बिफोर और आफ्टर वर्ब, यानी वर्ब के पहले या बाद में अगर कोई प्लेस वैकेंट है, स्पेशल अटेंशन मस्ट बी टेकन वाइल फिलिंग अप द ब्लैंक स्पेस। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, स्पेशल अटेंशन यानी ध्यान से उनको देखना पड़ेगा जो दे रखे हैं वर्ड्स, और उसके बाद डिसाइड करना है। फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल फिलिंग अप स्पेस बिफोर एंड आफ्टर अ वर्ब, है ना। तो बिफोर और आफ्टर वर्ब के अगर आप स्पेस फिल कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके आगे पीछे यूजुअली क्या आते हैं, एडवर्ब्स कम है ना, एडवर्ब्स आते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वर्ब आर ऑफ टू काइंड, है ना, वर्ब्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक होता है ट्रांसलेटिव वर्ब, इंट्रांसलेटिव वर्ब, है ना। तो ये दो टाइप की वर्ब्स होती हैं, तो इनको हम कैसे फिल करेंगे, इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी नाउन, एन ऑब्जेक्ट या नाउन विल बी फिल्ड इफ द स्पेस इज आफ्टर अ ट्रांसलेटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अगर क्या है आपका ब्लैंक है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, एन ऑब्जेक्ट विल बी फिल, है ना, ऑब्जेक्ट को फिल करेंगे अगर आपका क्या है, ब्लैंक कहाँ खाली है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब अगर आ रही है तो आप क्या फिल करेंगे, ऑब्जेक्ट फिल करेंगे, और इनट्रांजिटिव वर्ब आ रही है तो आप क्या फिल करेंगे, एडवर्ब को फिल करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा, मोहन इज स्लीपिंग डिश, तो यहाँ देखिए स्लीप जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो आपने क्या लिख लिया, मोहन इज स्लीपिंग साउंडली, साउंडली यहाँ पर एडवर्ब है। तो हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम इज रीड, रीडिंग है ना, रीड क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, तो रीडिंग, अब यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा तो अ बुक। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं कुछ रूल्स, कि आप जब ये फिल करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, सम वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट, कुछ वर्ब्स के क्या होते हैं, टू ऑब्जेक्ट होते हैं, टू ऑब्जेक्ट आर पुट आफ्टर देम, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे, वर्ब के बाद रखेंगे। जैसे मीरा गेव मोहन अ बुक, मीरा हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब है, मोहन वापस आ गया है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है ना, वो ऑब्जेक्ट है, और अ बुक भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब दो ऑब्जेक्ट है तो उनको आप सिक्वेंसली एक के बाद एक रखेंगे। इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड एन एम्प्टी स्पेस इज गिवन इन द बिगनिंग, अगर कोई सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर बिगनिंग में खाली है, है ना, बिगनिंग में खाली है, बाकी यहाँ कुछ लिख रखा है, आइदर हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू एच, अब वो सेंटेंस क्या होगा, वहाँ पर क्या आएगी, या तो डब्ल्यू एच, हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो डब्ल्यू एच से बनते हैं या हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, विल बी फिल्ड इन द ब्लैंक स्पेस, तो उसमें क्या लगाएंगे हम, डब्ल्यू एच या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कब, जब ब्लैंक आया फिर आगे सेंटेंस कुछ लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, या तो डब्ल्यू एच या हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ देखिए, इसी पर एक एक्सरसाइज दे रखी है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम सेंटेंस को देखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे ईजी होता है कि आप उस सेंटेंस की मीनिंग निकालें अच्छे से, जितना आप अच्छे से उसको मीनिंगफुल बना सकते हैं देख करके, वो मीनिंगफुल बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप किसी वर्ड को प्लेस कीजिए वहाँ पर, उससे कोई मीनिंग निकल रही है नहीं निकल रही, अगर कोई कंप्लीट सेंस निकल रहा है तो क्या होगा, आपको ये भी नहीं देखना पड़ेगा, रूल्स भी नहीं देखने पड़ेंगे, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही सेंटेंस में यूज़ होगा। जैसे है, इट वॉज गोइंग फॉर डेश लिटिल मनी, है ना, यहाँ देखिए एडजेक्टिव आया है, लिटिल मनी, मनी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या लगाएंगे, वेरी, वेरी हमारा जो एडवर्ब है वो आएगा, वेरी लिटिल मनी।
क्योंकि बाकी तो कुछ आ ही नहीं सकता ना, आप स्टॉप तो लगा नहीं सकते, स्टॉप टू लिटिल मनी, मॉर्निंग लिटिल मनी, फुटबॉल, कॉट, वाइफ, ओल्ड, बिसाइड, ये वर्ड्स तो आप इसमें लगा ही नहीं सकते, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो आपको सबसे ईजिएस्ट तरीका ये है कि आपको क्या करना है, सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना ना, उसका कोई सेंस निकल रहा हो, तो सेंस निकल रहा है तो यानी आपने करेक्ट ही अरेंज किया है। यहाँ देखिए, आई शुड हैव डैश देम देन एंड देयर, आई शुड हैव मॉर्निंग देम नहीं आएगा, फुटबॉल देम नहीं आएगा, कॉट, वाइफ, ओल्ड, बिसाइड नहीं। आपको यहाँ पे वैसे तो ध्यान रखना है कि प्लेस और टाइम दे रखा है ना, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए आएगी स्टॉप्ड, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर। तो इस तरीके से आपको क्या पढ़ना है, अच्छे से सेंटेंस पढ़ना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आपको रूल्स को अगर नहीं भी याद आते हैं आपको, तो भी आप बना लेंगे।